अस्सलाम वालेकुम, सक्सेस टॉक्स विद अली। जी हाँ, सक्सेस टॉक्स विद अली के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। और आज हम जिसके साथ यहाँ बैठे हैं, ये एक बड़ी ही किस्म की इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनैलिटी, एक एंटरप्रेन्योर, बल्कि मैं कहूँगा शायद बिल गेट्स इन द मेकिंग है। और इनका नाम है तंजील। आइए हम तंजील के साथ पूछते हैं कि तंजील क्या है और कौन है। जी तंजील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो मेरा तंजील अपने हर जो होते हैं ना मेहमान, उनसे पहला सवाल ये होता है कि हु इज़ तंजील? सो तंजील रहमान इज़ माई नेम। करंटली जो है आई एम रनिंग अ कंपनी बाय द नेम ऑफ वर्चुअल फोर्स। हम लोग प्राइमरली तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन की स्पेस के अंदर हैं। मेन बिजनेस इज़ बीइंग रन फ्रॉम द US। सो हम दो एंगल्स पे काम कर रहे हैं, एक तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है और दूसरा ये है कि हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। अरे वाह यार, इन्वेस्टमेंट्स, भाई साहब इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो तंजील के पास आइएगा, तो हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे। सो तंजील, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई आपने? मतलब क्या डायरेक्ट तंजील कोई सोने के चम्मच से पैदा हुआ था तो उसके वाले साहब ने कंपनी खड़ी कर दी? हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो माई फादर वॉज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आई वेंट टू हसन अब्राल फॉर माई यू नो एजुकेशन, और उस टाइम पे भी बड़ा लड़ झगड़ के, खैर मैं हसन अब्राल गया था, बाकी सरों की स्टोरी ये होती है कि अम्मा अब्बा ने जबरदस्ती पैसा बोला था, बट मेरा केस इस तरह का था। एनी वे, उसके बाद व्हेन वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हसन अब्राल, तो आई वॉन्टेड टू गो टू यू नो गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, लेकिन यह कि वो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी एग्जिस्ट करते थे। सिमिलरली लम्स वॉज एन ऑप्शन दैट आई वॉन्टेड टू गो इन टू, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लम्स जाने के लिए मेरे पेरेंट्स की तरफ से बड़े स्ट्रेट हाथ खड़े थे कि जी हमारे पास उसके फंड्स मौजूद नहीं हैं। बट लकीली देर वॉज अ प्रोग्राम इन लम्स विच फंडेड यू नो लोन बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी थी, लोन्स भी थे जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते थे, और लकीली आई गॉट 100% फाइनेंशियल एड फ्रॉम लम्स। अच्छा, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू देयर दैट यूनिवर्सिटी, और फिर आगे से आगे स्टोरी चलती गई। तो आई कैन वेरी प्राउडली से कि मैंने अपनी जो अंडरग्रेड की स्टडीज हैं वो खुद फाइनेंस की हैं। सेल्फ फाइनेंस। तो शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, देयर वाज नो गोल्डन स्पून। द जर्नी वाज काइंड ऑफ स्टार्टेड यू नो बाय माय सेल्फ, और ये सारी चीज़ें जो हैं अकेले की तो नहीं है सारी काविश। आई हैव यू नो टू अदर पार्टनर्स इन दिस एज वेल, लेकिन दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हम लोगों ने मिलके ये इनिशिएटिव शुरू किया, और जहाँ पे अभी हम हैं वो मेहनत भी है और यू नो लक भी है और अल्लाह का करम। देन आपने जॉब वगैरह नहीं की लम्स के बाद, या लम्स से आगे की पढ़ाई नहीं की? नहीं, सो फॉर अ फ्यू इयर्स आई डिड वर्क फॉर अ टेक्सास बेस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी। अच्छा। सो 2 से 3 साल मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था, एंड आई वुड से कि दैट इज व्हाट शेप्ड मी टुवर्ड्स व्हाट आई एम राइट नाउ। लकीली आई गॉट सम रियली गुड मेंटर्स। मेरे जो सीईओ थे यू नो पाकिस्तानी गाय लिविंग इन ह्यूस्टन, he graduated from MIT, great mentor, you know, उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा, और फिर you know ये अपना इनिशिएटिव बाद में लिया। But initially 2 to 3 years I did work in the industry। आपने बहुत सारे पैसे कहीं से इकट्ठे किए होंगे, या आपको कोई जायदाद मिली होगी उससे ही इसमें फंड किया? नहीं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर comparatively it's a low capital intensive initiative, used to be, मतलब फिर भी आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, वो भी अब काफ़ी कम होता जा रहा है। बाय द वे, हमने उसी सिलसिले में एक और इनिशिएटिव किकस्टार्ट कैफे के नाम से भी शुरू किया, मैं आपके बारे में बताऊँगा, जो कि इसीलिए है ताकि अगर कोई और लोग इस तरह की कोई चीज़ शुरू करना चाहें तो उनका जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी और कम हो जाए। बट सर्विसेज के अंदर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल ज़रूरत नहीं होता, सो यू नो वी वर एबल टू फंड थ्रू आर गो ग्रोथ आवरसेल्व्स। लेकिन आपको कस्टमर्स तो चाहिए ना? कस्टमर्स, आपने गलमन कहीं यूएस में भी पढ़ाई की, वहाँ से कस्टमर्स पकड़े? बिल्कुल बिल्कुल। सो अगेन एज आई मेंशनड, इट वाजंट लाइक एन मतलब माय सोलो थिंग, तो हम लोग तीन पार्टनर्स थे, तीनों को वेल कनेक्टेड थे। वी वर एबल टू ग्रैब अ फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इन द बिगिनिंग थ्रू आर कनेक्शंस, मोस्टली US के थे जहाँ से हमने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिए थे, जिसकी वजह से हम वो फंड कर पाए थे। तो वो जो नेटवर्क जो था, जो इनिशियल एजुकेशन के टाइम पे बना था, दैट हेल्प।
तंजील वैसे उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं जिससे मैं पढ़ा हूँ, और ये उस कॉलेज के करियर कैप्टन थे, ये मैं आप लोगों को साइड पर बता दूँ। और उसके बाद ये कि फुटबॉल के भी दीवाने हैं, और इन्होंने अमेरिका में भी कहीं पर फुटबॉल के झंडे गाड़े थे। कहाँ पढ़ते तंजील, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? सो हसन अब्दाल के बाद लाम्स, और उसके बाद यू नो आई वेंट टू बैब्सन कॉलेज। सो बैब्सन इज कंसिडर्ड टू बी लाइक नंबर वन इन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर लास्ट 18 टू 20 ईयर्स आई थिंक। It's a small school. It's not as popular as the Ivy League schools that are over here, but bahut strong network aur bahut strong entrepreneurial education wahan pe hai. वहीं पे यू नो क्योंकि मैं हसनबदाल में भी आई वॉज इन द कॉलेज टीम, आई वॉज द वाइस कैप्टन लम्स में भी, सो आई कंटिन्यू दैट ओवर देयर। एंड बैब्सन में भी जो ग्रेड स्कूल की दे कॉल इट सॉकर ओवर देयर, सॉकर टीम थी, आई वॉज इन दैट। और उसमें यू नो यहाँ पर कुछ आपकी तस्वीरें में देख रही हूं, हसनबदाल आ गया, बैब्सन आ गया और फुटबॉल आ गया। बिल्कुल, तंजील जो है वो इंतहाई लकी इंसान है कि इसकी हर चीज़ इसके कदमों में आगे गिर गई। और लक की डेफिनेशन तंजील से हम पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। मुझे एक बात बताइए कि आमतौर पे हमारे यहाँ पर ये समझा जाता है और ये कहा जाता है कि रिश्ते शादी हुई है ना आपकी, जी जी, अगर शादी के लिए जब बंदा रिश्ता लेके जाए ना तो पूछते हैं पुत्र की कर रहा है, नौकरी कितने कर रहा है, किहड़े बैंक च, राइट। तो आपने ये जॉब छोड़ के बिजनेस किया शादी से पहले, ये बात है बाद में मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था जब मैंने शादी की, उससे भी और मुश्किल था, उससे भी और मुश्किल था। बिल्कुल सही बात है। सो दिस माइट साउंड अ लिटिल बिट क्लीशे, बट मैं इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। और वो मेरे सच्ची बात है, वो ये चीज़ है कि अगर हम नंबर्स देखें, ठीक है जैसे भी पहुँचे, लक थी, हार्ड वर्क था, प्राइम इंस्टीट्यूशन करटकल जैसे नफ्ताल लम्स गॉट अ चांस टू गो अब्रॉड फुल ब्राइट स्कॉलर्स, तो ठीक है। आई मीन आई वुड डेफिनेटली से दैट आई एम वन ऑफ द टॉप 1% एलीट ऑफ दिस कंट्री, राइट। और उसके बाद ये सारी अपॉर्चुनिटी और ये सारी लक मिलने के बाद भी अगर मैं कुछ ऐसा ना कर रहा हूँ जो कि डिफरेंट हो या जो कि हर कोई कर रहा हो, नंबर वन, नंबर टू जिससे कोई वैल्यू क्रिएशन ना हो रही हो, सो आई वुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट, ठीक है। वेरी ऑनेस्टली इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद यू नो आपको भी नंबर्स पता हैं कि आप स्टार्टिंग में किस तरह के पैकेज नंबर्स में यूएस यूरोप दुबई में लैंड कर सकते हैं, वाई गो टू पाकिस्तान एंड यू नो वर्क ओवर देयर और क्रिएट समथिंग ओवर देयर। लिटरली अभी जो आप सारा कुछ देख रहे हैं, 6 साल पहले ऐसे नहीं था, ठीक है ना। हम लोग एक छोटे से ऑफिस में थे। आई रिमेम्बर हमने जो पहला अपना यू नो रमज़ान में यू नो लंच टाइप किया अपनी कंपनी का एंड ऑल दैट, वी लिटरली सैट डाउन, वी डिड नॉट हैव अ लार्जर टेबल जहाँ पे सारी टीम जो है ना वो बैठ के खाना खाती, ठीक है ना। बट अभी यू नो स्लोली ग्रेजुअली लोगों की हेल्प से यू नो द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आई गॉट फ्रॉम माई टीम मेम्बर, हमने एक चीज़ बिल्ड की है। तो आई थिंक दैट्स द थिंग कि अब एक वो वैल्यू क्रिएट हुई है एक सोसाइटी के अंदर जिसमें मेरा भी हाथ है, और दैट सेटिस्फाइज है। देखिए ये मैं यहाँ पर दोबारा एक बार तफसील बात करूँगा, क्योंकि आपने भी वो वर्ड रीको किया है, मेरे वाला लक। एक्चुअली मैं मेसी तो आप फुटबॉलर हो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जी, तो यहाँ पर लगी हुई है फुटबॉल मेसी की एक सेइंग है जो मैं हमेशा कोट किया करता हूँ, कहता है आई वॉज सो लकी दैट इट टुक मी 16 आवर्स अ डे टू प्रैक्टिस फॉर 16 इयर्स बिफोर आई बिकेम लकी। 16 साल मैंने मेहनत की और मैं लकी हो गया। बिल्कुल। और हम लोगों को वो आई टी बुक जाइस वर्ग है ना, वो ऊपर का ऐसा देखते हैं मुझे। और दूसरी जो आपने बात की बड़ी मजेदार कि मैं पाकिस्तान वापस आया, मुझे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप 20 साल से दुबई में थे तो आप वापस क्यों आ रहे हैं। This country, I am from this country. बिल्कुल। And we owe a lot to this country. हालात तो यहाँ कभी ठीक होने ही नहीं। और जो लोगों के हिसाब से हालात तभी ठीक होंगे जब हम ठीक हों। बिल्कुल सही बात।
और अगर आप जैसे लोग ब्रेन ड्रेन करके चले जाएंगे या, या. तो यहाँ क्या रहेगा आप देखें मैं मतलब मैं एक छोटी सी और लोग वो तो मुझे पहले बता रहे थे मैं उनकी इजाजत के बगैर ये बात बताऊँगा वो ये है कि आपके माशाल्लाह यूएस में भी ऑफिस है जी जी राइट दुबई में भी ऑफिस है आपका पाकिस्तान में भी ऑफिस है एंड यू कुड हैव इजीली चोजन transfer and shift to any of those countries bilkul bilkul you didn't opt bilkul aapne pakistan mein baithna bilkul bilkul aur mashallah jis tarah ka bata rahe the 6 logon se aap log khane ki mez jagah nahi thi aur abhi sab mashallah kitne log hain aapke paas so abhi total company mein it's around 180 yeah aur ye keh rahe hain bade raam keh rahe hain around 180 wow so you created and ये सब कुछ जो आपने जॉब क्रिएशन देखो होता ही है मैं लोगों को ये सब बात में जाता हूँ आई एम श्योर यू विल एग्री आप नौकरी करते हो तो आप एक खानदान का होते हो बिल्कुल सही आप एंटरप्रेन्योर बनते हो yeah. आप 180 खानदान अगर तीन की भी एवरेज लगाओ मल्टीप्लाई बाई थ्री मैथ्स तो मुझे पता आपको तब जाता ही नहीं है 540 के करीब तकरीबन आप लोगों को फाइव पे जाएगा बस नहीं जी खैर ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए बट अल्लाह ने आपके थ्रू जरिया बिल्कुल 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 जब आप एटीएम मशीन एटीएम मशीन हो जाओ एटीएम मशीन में कार्ड डालते हो yeah. तो मशीन ये नहीं कहती मैंने नहीं अब पैसे देने बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों को वो एटीएम मशीन बनाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यू आर द प्राइड ऑफ आवर नॉट ओनली माय इंस्टीट्यूशन बट माय कंट्री यार हम भी कह सकते हैं कि माशाल्लाह एक बंदा जो अमरीकियों को नौकरी दे रहा है बिल्कुल सही बात है ठीक है जिसने अमरीकियों को नौकर रखा हुआ है मुझे हम बैठा हुआ है बिल गेट कहते हैं कि फिर पाकिस्तानियों को नौकर रखा है तो आप हमने अमरीकियों को नौकर रखा हुआ है राइट 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 जो ये लफ्ज है लक इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे इनटू सक्सेस आई एम श्योर यू आर नॉट लकी टू गेट राइट फुल राइट स्कॉलरशिप और आई एम श्योर यू आर नॉट लकी टू बिकम द बेस्ट कैडेट ऑफ हसनदार हसनदार के बारे में ठीक है आई एम श्योर यू आर नॉट लकी टू गेट अ स्कॉलरशिप लव सारे को स्कॉलरशिप नहीं देता सो हाउ डू यू डिफाइन दैट वर्ड लक देखिए जी बिल्कुल सही जो आपने जैसे बात बताई ना कि प्राइमरीली इट इज हार्ड वर्क हम लोग दूर से जब देखते हैं तो हमें सक्सेसफुल लोगों की लक नज़र आती है अल्लाह मियाँ का भी अपना वादा है कि जब आप हार्डवर्क करते हो तब आपको वो नवाजता है सो इन ऑर्डर टू बी लकी यू हैव टू फर्स्ट बी डिजर्विंग टू बी लकी दैट्स माय यू नो मंत्रा इफ आई वुड कॉल इट और आप जितनी भी केस स्टडीज जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देख लें उसके पीछे वो हार्डवर्क हर जगह होता है और उसी के ऊपर मेरा भी शुरू से बिलीव है जब मैं वापस आया हूँ सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हार्डवर्क एंड ऑल दैट वो तो खैर अपनी जगह थी ही थी वो एक इंडिविजुअल लेवल की थी जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बनाते हैं देयर आर सो मेनी प्रेशर्स ओवर देयर राइट आई मीन ये एक छोटी बात नहीं है कि यू नो जब इतने ज़्यादा ख़ानदान आपके साथ जुड़े हुए हों और आपके यू नो आपकी कंपनी की सक्सेस के ऊपर वो रिलाई कर रहे हों देर आर सो मेनी क्लाइंट्स एसोसिएटेड विद यू देर इज़ योर कंट्रीज ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग एंड इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट यू एंड योर कंपनी इट अफेक्ट्स द ओवरऑल इंडस्ट्री वर्टिकल दैट वी हैव ट्राइड टू बिल्ड ओवर हियर राइट तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे यहाँ पे अपनी टीम को उस माइंडसेट को नरिश करने में लगी है और वेरी ऑनेस्टली आई मीन इन द बिगिनिंग 3.5 years आई वुड कम टू द ऑफिस मेरी बीवी को पता था कि ये फ़ोन जो है ना ये शाम 7:30 से पहले ना SMS का जवाब आएगा ना WhatsApp का जवाब आएगा ना फ़ोन पिक होगा आई वुड नॉट पिक इट अप राइट We set up a culture where we had to work in a very, very professional manner and do the hard work that is needed. After that, enjoy the benefits, right? So that was very important for me. और वही सारा culture हमने slowly, gradually each and every individual में यहाँ पे translate किया है. और that I would, you know, say is the reason for our growth, success. हमारी जो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो इससे भी बहुत आगे है इंशाल्लाह हम वहाँ भी पहुँचेंगे लेकिन अभी हम जहाँ पे हैं हम वो जो है ना उसका जो मेन राज है वो यही है कि ईच एंड एवरी वन बिलीव्स इन द हार्ड वर्क एंड दैट इज़ समथिंग जो कि मैं अपना एक
partial success करार दूंगा कि you know I was able to transfer that that sort of an ambition to my team members. मतलब माली का कम पानी देना बरकर मशक्कत तो आपने वो मशक्कत भर दी हैं मतलब मालिक का कम फर्क पड़ रहा है सही बात ला रहे हैं ना ला रहे हैं हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लोग समझते हैं कि यार मैं तो कमा लूँ मैं तो अमीर हो जाऊँ मतलब मुझे एक बड़ी सी चीज लगी कि जिस तरह आपने मेरे सेशंस हुए उसमें आपने अपने बंदों को भेजा एंड यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ योर पीपल इट्स एवरीथिंग इज अबाउट पीपल राइट हमारे यहाँ पर लोग कंपनीज को इम्पोर्टेंस देते हैं ये भूल जाते हैं There is nothing called company without people. बिल्कुल. भी निकाल दो कंपनी में से तो वो कॉम्पनी बन जाए. Yes. पंजाब में ना वो जैसे कराची कॉम्पनी जा रहा है. So अच्छा चलो यार तुम्हें कुंजी का ये बता दें कि यार what is entrepreneurship? Entrepreneurship for me is value creation. It is not making money, it is not exploiting any given you know problem and solving it. It is primarily value creation. वैल्यू क्रिएशन जो है ना वो यही है कि देखिए पैसे तो बन ही जाते हैं लेकिन उस पैसे के साथ आप एक देर इज़ अ डबल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट एंड यू नो ओवरऑल व्हाट इज़ द चेंज दैट यू आर ब्रिंगिंग इन द स्टेटस क्यो दैट इज़ वैल्यू क्रिएशन कि आपने नई चीज़ सोसाइटी के अंदर क्या क्रिएट की है विच इज़ एक्चुअली विच मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बिफोर व्हाट यू क्रिएटेड वाज़ नॉट देयर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके ही वैल्यू क्रिएट करते हैं जनरली सो हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है ना वो थोड़ा सा उसका बिजनेस मॉडल फर्क है हम लोग प्योर सर्विसेज मॉडल में तो काम कर ही रहे हैं लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं So in a number of more than 50 plus startups that have जिनकी हमने सिर्फ engineering services provide की हैं हम उनके अंदर equity holder भी हैं और not just the engineering we provide them with the direction we provide them with growth strategies जहाँ जहाँ हम उनको different अपने network के अंदर लोगों से connect कर सकते हैं for the growth purposes and all that हम वो वाला काम भी कर रहे होते हैं so it is it's a unique model जो कि अब खैर काफ़ी कंपनीज ने अडॉप्ट कर भी लिया है नॉट हियर बट आउटसाइड पाकिस्तान लेकिन प्राइमरली हमारा ये मॉडल है वी आर्ट रियली एन आउटसोर्सिंग शॉप जो कि ज़्यादातर आपको एक मॉडल नज़र आता है इंडिया में फिलीपींस में और पाकिस्तान में भी सो वी आर स्लाइटली डिफरेंट इन दैट रिगार्ड वी कम इन एज दी स्टेक होल्डर और उसी लिहाज से हमारी जो क्वालिटी एंड ऑल दैट जो है ना वो सुपीरियर होती है बिकॉज वी हैव टू मेक दैट product a success as well. Can I say that you are a VC? So Virtual Force itself is not a VC, okay. but we have a VC firm in New York jo ke ye kaam kar bhi rahi hai. Goron ko kaam bhi sikha rahe ho. Bilkul. Goron ke products mein hum invest kar rahe hain. Wahi na ki wo hum hi keh sakte hain ki bhai ab hum mashallah Allah Taala ne hame wapas level pe bhejao aur humne hai bade abhi mein wo president Trump ka sunta tha आपके साथ एक राउंड भी लेते हैं और मैं जिन जिन वेंचर्स के हुए जो आपकी टीम में ऐसा बैठेंगे माशाल्लाह और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं कितनी टीम्स हैं आपकी क्या काम हो रहे हैं एंड एंड में जो आपने हमें प्यारी सी जबरदस्त सी कॉफी पिलाई है हम वो भी देखेंगे कहाँ से बनती है श्योर ठीक है सही तो चलिए इंशाल्लाह हम तंजील साहब के सेटअप को देखते हैं और फिर हम तंजील से तंजील ही प्रोड्यूस कराएंगे और बताएंगे कि इन्होंने माशाल्लाह कैसे कैसे ग्रो किया और एंड में हम कॉफी भी पीते हुए दोबारा पहले से कुक करवाते हैं नहीं जरूर हम तंजील से इनके एडवाइस भी लेंगे और इनको अरदास की बात जी तंजील तो अब हम कहाँ पर आए हैं सो वन ऑफ द टीम्स इज सिटिंग ओवर हियर मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं बट बल्क ऑफ द टीम ओवर हियर इज वर्किंग ऑन अ यू नो ऑन अ हाई एंड डिजिटल बैंकिंग का डिफरेंट एक हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें वी आर वर्किंग विद मिडल ईस्ट बेस्ड क्लाइंट्स सो इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजीज तो
वी कॉल अवरसेल्फ टेक एग्नोस्टिक्स तो हमारा सिर्फ टेक टेक्नोलॉजी स्टैक एग्नोस्टिक सो वी आर्ट रियली माइक्रोसॉफ्ट शॉप और ओरेकल शॉप और यू नो एसएपी शॉप हमारे जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि द टीम मेंबर्स आर एक्चुअली willing to jump into multiple different technology stacks, learn them and conquer the product. So we have a product-centric approach. Us lihaz se multiple different skill sets ke log yahan pe baithe hain, but at the same time, they have been learning numerous new technologies somewhat every year. So kuch yahan pe mobile development ke specialists hain. There are a few people who are working on .NET, mean stack, merge stack, you know, these are the state-of-the-art new technologies. Randomly मैंने अली को पिक कर लिया पर आप भी खुद ही कर सकते हैं आज नहीं पे कल सारे अली लेकिन अली क्या है रिजा भाई आपसे थोड़ी सी दो चार गपशप लगाते हैं अली इज वन ऑफ द यू नो सीनियर टीम मेंबर्स यू नो ही हेड्स द मोबाइल टीम बट एट द सेम टाइम ही हैज एन वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज़ वेल सो जी अली अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आप यहां कब से हैं इनके साथ अराउंड 5 एंड हाफ इयर्स ओनली यस Yes, around we became in starting and we continued here for like 5.5 years. What makes you stay here? आप क्यों यहाँ पर? आजकल तो बोलता है all due respect IT के लोग जाना फटाफट करते हैं. हम लोगों का थोड़ा सा scenario different है. We are more focused on like if we are learning the new technologies and things, then it's worthwhile staying here. So यहाँ पर आपको अभी समझते हैं कि यहाँ पे आपको वो family environment मिल रहा है. Yes, actually the policies are quite good. और मतलब environment जो है वो काफी friendly है तो उस वजह से मतलब easy हो जाता है आपके लिए रुकना stay करना. तंजील सख्त बॉस से सामने खड़े बॉस के सामने बोलना. It's not like that. हमारा जो रिलेशन है विद इन द कंपनी इट्स नॉट लाइक बॉस थिंग एंड स्टफ सो वी कैन ऑलवेज गो देयर इन रूम विदाउट जस्ट नो कैन कम इन यस व्हाट्स द मैटर सो दैट्स द थिंग सो इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी एग्जैक्टली वेरी गुड एग्जैक्टली सो दैट इज अ गुड थिंग व्हिच एक्चुअली उसके लिहाज से आई मीन आई वुड डेफिनेटली वांट टू यू नो एनकरेज जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आई मीन गोइंग ऑल द वे फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टीम टू अ लार्जर टीम एक्चुअली आई एम बैंकिंग ऑन दीस गाइस सो अब ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं ठीक है ना और ये मेरे से ज़्यादा स्किल सेट में भी बेहतर हैं इनकी लीडरशिप जो स्किल्स हैं ना वो भी आई वुड रिकमेंड आई वुड डेफिनेटली यू नो बोस्ट अबाउट इट कि दे आर वे बेटर देन मी दैट इज़ व्हाई नंबर वन वी आर एबल टू ग्रो साइमल्टेनियसली वी आर एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट टू कम इन एंड वर्क विद अस एंड यू नो वर्क इन दिस सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट नहीं ऑफ कोर्स ये मैं वही बोल रहा हूं आप जो बैंक लोग भूल जाते हैं वो है पीपल बैंक कब से है पहला सवाल अरे यार कुछ कम सालों वाले भी हैं बिल्कुल है बिल्कुल सो आपने कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह की या क्या कैसे जॉइन फास्ट ट्रैक से मैं ग्रेजुएशन की थी बैक इन 2010 और उसके बाद फिर लिंक्डइन के थ्रू यहाँ पर अप्रोच हुआ और फिर उसके बाद आप फ्लैट हो गए नहीं फ्लैट नहीं मतलब 5 साल हो गए और मैंने भी फिर किसी एक दिन भी मैंने कोई ऐसा काम किया जो पहले करता हूँ उगाना नया काम करता हूँ दैट्स इंटरेस्टिंग सो बहुत सामने खड़े होकर वैसे बात करना मुश्किल होता है लेकिन कान में बता सकते हैं आप कैसे बता सकते हैं बता से काम करते हैं मैं चला जाता हूँ लेकिन पहले ठीक है सो यू रेकमेंड पीपल टू कम इन दिस कंपनी डेफिनेटली आई एम स्टिल हियर आपको मेनली क्या काम करना है यहाँ पे आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मोबाइल पे
overall. Excellent. So, बड़ी बहुत खुशी होती है जब आपके अपने employees जो हैं वो कम actually personally तो मैं कहता हूँ कि I'm sure आप भी यही use करते हैं मेरा employee कहता है इसी को नहीं मैं कहता हूँ we are all team members. बिल्कुल सही बात है. नहीं और सलमान की by the way journey so he started off just you know as part of the mobile team you know a member who was doing a lot of development lekin by being in you know a virtual force he himself took a lot of initiative learned a lot of new technologies और हमारे अपने प्रोसेसेस के अंदर उनको इम्प्रूव करने को उनको ग्रूम करने में इनकी अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है एंड यू नो ही हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी प्रोसेस थ्रू आउट डिफरेंट टीम्स. सो इफ आई कैन समराइज एंड सो वन इज द राइट पर्सन टू आंसर दैट कि अगर आप में वो कहते हैं ना कि फायर है और आप इल्म को वैल्यू करते हैं तो ये कंपनी आपको ग्रो करने का मौका देगी. आई वुड से यस डेफिनेटली इज इट राइट सो नॉट दैट व्हाट तो तंजील अब हम आपका कॉफी शॉप देखते हैं. सो तंजील अब हम तंजील के एक ऐसे वेंचर पे आए हैं जो कि मेरे लिए भी बड़े हैरत अंगेज चीज थी. बिल्कुल. सो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम टेक्नोलॉजी कंपनी तो हैं लेकिन हम लोग प्राइमरली काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स के साथ. तो यूएस के अंदर हमने ऑलमोस्ट 7 years जो है ना वी वर्क विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप्स टेकिंग देम ऑल द वे फ्रॉम नैपकिन स्टेज आइडिया टू लॉन्च. सम ऑफ देम हैव गॉन टू अ वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $100 million वर्किंग विद अस राइट. तो वी वाज जस्ट थिंकिंग के फिर लोकल इकोसिस्टम के अंदर भी हम कोई ऐसा एनवायरनमेंट और कोई ऐसी जगह क्रिएट करें जहाँ पे हम कम से कम अपनी जो नॉलेज जो हमने गेन की है वो हम शेयर कर सकें. तो शुरू शुरू में जब हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता था कि पीपल डिडंट हैव यू नो को वर्किंग स्पेसेस. अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी बन गई हैं और को वर्किंग कैफे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था. सो किकस्टार्ट कैफे स्टार्टेड ऑफ विद अ प्लेस जो कि नए वेंचर्स पे लोग जो काम करना चाहते हैं या कोई यू नो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं दे कैन एक्चुअली कम इन हियर दे कैन वर्क फ्रॉम हियर दे कैन नेटवर्क एंड इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ द सेम माइंडसेट. इट इज अ कैफे एज वेल. हमारा खाना भी बड़ा जबरदस्त है हमारे ठीक है. या आई कैन टेल यू वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स आई हैड वाज हियर. एट द सेम टाइम व्हाट वी डू इज दैट वी कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग events around the you know the mindset of entrepreneurship business knowledge sharing usse related every other week weekend yahan pe koi na koi event ho raha hota hai aur so this is more of a space jo ke which acts as a knowledge sharing space a knowledge factory sort of a place jahan pe log aaye apni you know knowledge share kare interact kar sake और अच्छा खाना भी enjoy kar sake. अगर मैं ये कहूं it is not your prime business but it is your business primer. Sure, definitely, right? definitely. ये बड़ा जबरदस्त कैफे है. वैसे भाई जबरदस्त मैंने कहा कि he is a very good host. इन्होंने मुझे बड़े जबरदस्त स्टेक खिलाई थी और मज़ेदार चीज़ इस कैफे की ये है कि ये ओपन किचन ओपन डोर टाइप का कैफे है. yeah. और यहाँ पे इस वक्त भी अगर आप देखेंगे आवाज़ बहुत ज़्यादा है हमें बहुत ऊँचा बोलना पड़ रहा है लेकिन नहीं उसमें हमने इसमें कल्चर भी उस तरह से रखा है कि सो इट इज ओपन किचन यू नो यू कैन एक्चुअली सी एवरीथिंग इट इज सेल्फ सर्विस. सो हमने उसी लिहाज से यू नो वो कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई जो एंटरप्रेन्योर्स और जो यू नो स्टार्टअप्स आएंगे दे शुड बी यू नो काइंड ऑफ लिविंग दैट सॉर्ट ऑफ अ कल्चर एज वेल. यहाँ पे यू नो देर आर बोर्ड गेम्स यू कैन एक्चुअली हैंग आउट स्टे देयर यू नो फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज वेल. वी ओपन अप एट 8:30 अभी नॉइजी टाइम है लेकिन सुबह अगर आप आके 8:30 से यू नो 12 बजे तक काम करना चाहते हैं और उसके बाद लंच बिजी लंच आवर के बाद आप रात 12 बजे तक भी काम करना चाहते हैं. सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस इन दैट रिगार्ड. और हम अपनी ये जो जर्नी ऑफ सक्सेस इंजील की शुरू हुई थी ये हम इंशाल्लाह इस चित्र हमने कहा था खाने पे खत्म करेंगे तो हम यहाँ पहुँच खाने की जगह बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे. तंजील जाने से पहले इन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं जिनको आप इंकरेज कर रहे हैं जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं इन लोगों के लिए आप क्यों नंबर वन व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड नंबर टू हाउ यू कैन हेल्प एंड इफ आई मे आस्क यू कि अगर आप चाहें तो हम आपका ईमेल एड्रेस लोगों के साथ शेयर करें
and they can, if somebody needs an advice, मतलब मैं अगर कोई IT कंपनी आज खोलना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए और आप मुझे कैसे हाथ पकड़ सकते हैं या ऐसे रास्ता दिखा सकते हैं दोनों में से हम जो भी चीज़ कर सकें sure. Your advice for the public and how you can help. Right. So सबसे पहले चीज़ जो है ना entrepreneurship में you know anything that you want to do, number one ये है कि clarity बहुत ज़रूरी है. Why do you want to do that? ठीक है. आजकल कभी कभार you know being an entrepreneur, starting up and all that, it has at times it becomes a fashionable statement as well, right? Right. Don't do it just for the sake of that, right? Aim aapka wahi hona chahiye that you should be able to create some sort of value. और एक कुछ कभी कभी बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी मैं वो 9 to 5 नौकरी नहीं कर सकता, मैं जो है ना अपना बिजनेस कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूँ. मैंने कहा भाई मैंने जब अपना काम शुरू किया था ना 3.5 साल तक मैं दिन में कम से कम 18 घंटे काम करता था. ठीक है ना. इफ़ यू रियली वांट टू मेक इट सक्सेसफुल, दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज्ड टू बी डन, राइट? वैसे पहले जब मैंने करियर शुरू किया था तो 43 आवर्स की डायरेक्ट जॉब्स होकर थी जिस नंबर में हमारी, राइट? नहीं, बट स्टिल आई मीन सी दैट शुड नॉट बी द एम. द एम अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर यू नो मसला सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करें यू फाइंड समवन हु इज एक्चुअली डूइंग समथिंग सिमिलर. जॉइन हैंड्स विद देम, राइट? जॉइन हैंड्स विद देम एंड हेल्प देम, आइदर बी अ को-फाउंडर और कम इन एज एन अर्ली एम्प्लॉई एंड ग्रो इनटू अ को-फाउंडर. दैट इज समथिंग जो कि बहुत सारे लोग जो है ना अभी उस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते और उसको सोच नहीं रहे होते. आफ्टर दैट लर्न करें उस प्रॉब्लम में, उस इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करें बिफोर यू वेंचर इनटू स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन. ठीक है ना. अंडरस्टैंडिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग द इन एंड इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर एडवाइस सीख करने जाएं. ठीक है. आई वुड लव टू गिव एडवाइस. हमारे अब्दालियन दोस्त भी जो है ना दे आर वेरी फेमस ऑन इन सीकिंग एंड गिविंग एडवाइसेस, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, राइट? When you are coming to seek advice with anyone, मैं भी अगर अली भाई के पास जाऊँगा ना, अगर मैं अपना होमवर्क थॉरली करके जाऊँगा ना तो ये मुझे एडवाइस देने में इनको मज़ा भी आएगा और ये खुशी से एडवाइस देंगे, राइट? मैं अगर जाके कहूँ कि मैंने ये करना है बट तुसी माई बाप तुसी सारा कुछ कर दो, दैट नेवर हैपन्स. वो आपको बंदा एक आधी दफ़ा तो हेल्प कर देगा बट ही वुड नॉट बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड, राइट? और ये हमारे यहाँ पर मैं लोगों को डालता हूँ कि यार अगर किसी को कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस करें, मुझे बताएं. अक्सर जो है ना मुझे जवाब आते हैं AOA, yeah. ठीक है, MA. मैं जब AOA कहते हैं तो मैं लिखता हूँ भाईजान I was AOA. मतलब आप पहले बताए आपको मसला. अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन कोई नहीं कराता. yeah. फिर अच्छा मुझे ये मसला है जी. क्या मसला है? मुझे डिप्रेशन हो गया. यार डिप्रेशन हो गया किस चीज़ से हो गया? right. यार रिसेंटली right. मेरे पास एक बच्चा आया कि जी मैं बिजनेस शुरू कर रहा था, मैं किस चीज़ का ये नहीं पता. right. Right. तो yeah. Come with solid homework. Exactly. Come with solid homework. Seek advice from the perspective that you show कि आप अपना मसला सॉल्व करवाना चाहते हैं और आप खुद उसके ऊपर भी मेहनत करना चाहते हैं. Then you know there are so many people in this world who would love to help you. I am just one of them. और ऐसा नहीं है कि लोग help नहीं करना चाहते, लेकिन come prepared, do your homework, do a little bit of hard work, show that you are doing hard work. And then, you know, definitely, I mean, so many people will be there to help you. So, do you mind if you share your email address if somebody wants to take any advice from you? Bilkul, sure, definitely. Okay, that will be great, ji. So, thank you very much, Tanzeel. This was a lovely journey. And pleasure. And aap logon ko bataun ki success is not luck. Ye mere aaj ke saare team ka ek objective ye tha aapko batana ki yes, he is lucky. Yes, he is successful, mashallah. And success did not come overnight. इसके वाले साहब ने इसके मुंह में जाके चमचा नहीं दिया था कि जा बेटा ये ले 10 लाख रुपया ले या 10 मिलियन रुपया ले और जा कारोबार शुरू कर. ये जो कुछ अभी आपने देखा है यहाँ पर, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये इन्होंने खुद पैसा तिनका तिनका जोड़ के बनाया है और वो तिनके जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. सक्सेस एंड लक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द मोर हार्ड वर्कर यू आर, the more lucky you will be and the more successful you will be. ठीक है जी. तो हम इसको इजाज़त देते हैं तंजील से, इतने ज़बरदस्त सारी जर्नी के बाद मज़ेदार सा खाना भी खाएंगे. Definitely. Thank you very much. Very nice meeting.